महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मरीजों को ध्यान में रखते हुए शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन विनायक रुखमोड़े को मरीजों के उपचार व प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम के लिए प्लाज्मा सेपरेशन मशीन की मांग विश्व सिंधी सेवा संगम युवा की ओर से की गई। कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के शरीर से निकाले गए खून से कोरोना पीड़ित चार अन्य लोगों का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम इस धारणा पर काम करता है कि जो मरीज किसी संक्रमण से उबर कर ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर में वायरस के संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधी एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं। वायरस से पीड़ित नए मरीजों के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीज का खून डालकर इन एंटीबॉडीज के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। सेपरेशन मशीन से डेंगू व सिकल सेल थैलेसीमिया मरीजों को प्लेटलेट व पीआरसी की जो कमी आती है उसे पूरा किया जा सकता है। डीन द्वारा समस्या को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया गया। विश्व युवा अध्यक्ष विनोद चांदवानी, सचिव धर्म खटवानी, डीए सुनील चावला उपस्थित थे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।